तो हेलो व्हाट्स अप, वी आर बैक विद माइनक्राफ्ट। और आई नो कि ये कोई प्रॉपर गेम प्ले नहीं होने वाला, ये माइनक्राफ्ट पे मैं बात करने वाला हूँ। कुछ फैक्ट है माइनक्राफ्ट पे जो बताने वाला हूँ, और ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसे सब ने खेला है और आज के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर है। सो कुछ माइनक्राफ्ट के बारे में फैक्ट हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शायद आपको पहले ना पता हो। और वीडियो ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जो है वो एक प्रॉपर गेम प्ले हो। और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो हमको पता है कि माइनक्राफ्ट इस टाइम बहुत पॉपुलर गेम बन चुका है। ये पीसी, कंसोल और साथ ही साथ मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी रिलीज़ हुआ है। तो माइनक्राफ्ट की एक पॉपुलैरिटी की वजह ये भी है कि ये सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है और सब इसको खेल सकते हैं। और आप सबने भी इसको कभी ना कभी खेल के इन्जॉय ज़रूर किया होगा। तो माइनक्राफ्ट की एक पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि इसमें जो ओपन वर्ल्ड मिलता है उसको आप अपने हिसाब से बनाएं। तो गेम में हमें बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मिल जाता है जहाँ पे हम उस ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में एंडर ड्रैगन से फाइट भी कर सकते हैं। उससे पहले भी काफ़ी सर्वाइवल है ये गेम। वैसे एंडिंग तो है इसकी, लेकिन वैसे नहीं कह सकते कि ये गेम ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद भी आप खेल सकते हैं। नई नई अपडेट्स आ रही हैं गेम की, सो नए पेट्स ऐड किए जा रहे हैं, नए जानवर ऐड किए जा रहे हैं, नए ब्लॉक्स ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में नई अपडेट में कॉपर ऐड किया गया है, इसके बाद एनिमल में शायद गोट ऐड की गई है। सो ऐसे एनिमल्स और आगे आने वाली अपडेट में माइनक्राफ्ट की और भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है दिन ब दिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आई थिंक माइनक्राफ्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो एक्सप्लोर करना, ओपन वर्ल्ड, चैलेंजेस और ये चीज़ें की वजह से माइनक्राफ्ट कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। यूट्यूब पे लोग खेलते हैं, यूट्यूबर्स की वजह से आप अपने यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, सीरीज़ देखते होंगे माइनक्राफ्ट की। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आई थिंक माइनक्राफ्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब हम जाते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले फैक्ट की तरफ। और सबसे पहला फैक्ट है माइनक्राफ्ट के बनने से रिलेटेड, मतलब माइनक्राफ्ट कैसे बनी। तो आपने यूजुअली गेम देखी होंगी, बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनी जैसे रॉकस्टार गेम है, ये GTA बनाती है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है गेम डेवलप करने में, गेम बनाने में, उसमें डिटेल्स ऐड करने में, क्योंकि गेम एक परफेक्ट लेवल की हो तभी यूज़र को प्रोवाइड की जाती है, तभी गेमर्स को। क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि छोटी छोटी डिटेल को यूट्यूबर्स कवर करते हैं, लोग देखते हैं कि क्या इसमें ये डिटेल है, और अगर नहीं है तो ट्रोल करते हैं। जैसे साइबर पंक है, ये साइबर पंक वाला हाल होता है फिर। तो माइनक्राफ्ट का जो अर्ली वर्जन है, ये फैक्ट सुन के आपको हैरानी होगी कि माइनक्राफ्ट का जो पहला अर्ली वर्जन है वो सिर्फ 6 days में कम्प्लीट हो गया था। हाँ, एक्चुअली माइनक्राफ्ट को एक टेस्ट के लिए बनाया जा रहा था मोजेंग कंपनी के लिए, और माइनक्राफ्ट को इनके ओनर ने सिर्फ 6 days में इसका जो पहला बीटा वर्जन है उसको बना लिया था। सो कैन यू इमेजिन दैट, ये गेम जो इतनी पॉपुलर है इस टाइम पे, ये सिर्फ 6 days में बनी है। सो ये फैक्ट बहुत ही मज़ेदार है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और माइनक्राफ्ट का जो प्रॉपर वर्जन है, जो पहला वर्जन है, ये 2 साल के बाद उसके बाद रिलीज़ किया गया 2011 में, और ये प्रॉपर वर्जन पहली बार आया। जो बीटा वर्जन है, जो अर्ली वर्जन है माइनक्राफ्ट का, वो सिर्फ 6 days में ही बना था। तो आगे आता है फैक्ट नंबर 2, और फैक्ट नंबर 2 है अबाउट इस गेम का नाम। तो जब ये गेम डेवलप हो गई, ये गेम बन गई, अब अगला चैलेंज था इसका नाम। सो इसका नाम पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया था, इसको देखते हुए जैसे इसमें हम माइनिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं गया था, जैसे अब मॉब्स हैं, ये वो, सर्वाइवल मोड पहले इसमें था ही नहीं। तो इसको देखते हुए इस गेम का नाम पहले केव गेम रखा गया था, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाद में जैसे ही इसका फुल वर्जन रिलीज़ किया गया, जैसे ही अपडेट आने लगी, तो इसका नाम तब चेंज करके माइनक्राफ्ट रख दिया गया उस वक्त। सो माइनक्राफ्ट ये पहला प्रॉपर नेम नहीं था, पहला नाम इसका और था और इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो ये माइनक्राफ्ट नाम जो है ये बाद में रखा गया, जब अपडेट्स आई, जब इसमें थोड़ी चेंजेस किए गए, तो डिवेलपर्स को लगा कि शायद हमको नेम चेंज करना चाहिए, और तब इसका नाम केव गेम से या कुछ और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम था, उससे यहाँ पे ये नेम निकल के आया है माइनक्राफ्ट। और अगला फैक्ट है इस गेम के बनने से रिलेटेड कि ये गेम कैसे बना। सो उस वक्त ये गेम कोई नया थॉट नहीं था, ये गेम, ये कहने में बड़ा मुश्किल है कि ये गेम आज के दौर में इतना पॉपुलर है, तो ये गेम उस वक्त कैसे बना या
क्या थॉट आया डेवलपर्स के दिमाग में? तो ये गेम का थॉट ये था कि ये गेम काफ़ी अदर गेम से, मतलब तीन चार और गेम्स हैं उनको देख के इंस्पायर है, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर है। ये कहना अभी बहुत गलत है, लोग भी अपसेट होंगे क्योंकि माइनक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते हैं, तो वो यकीन नहीं करेंगे कि हम माइनक्राफ्ट को कॉपी करें। लेकिन ऑफिशियली जब माइनक्राफ्ट को बनाया गया था तो दूसरे काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जो जिनको नज़र में रखते हुए, जिनको माइंड में रखते हुए माइनक्राफ्ट को बनाया गया था, और माइनक्राफ्ट कहीं ना कहीं उनसे उस वक्त सिमिलर था। अब अपडेट्स आ गई हैं, नए आइडियाज़ आ गए हैं इसके लिए, और ये गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई है, तो ये लोग नहीं मानते या नहीं कहते कि यार माइनक्राफ्ट कॉपी है। बट ये कॉपी तो मैं भी नहीं कह रहा, बट थोड़ी सी इंस्पायर है उन गेम्स को, वो गेम्स जो पहले रिलीज़ हुई थी उनको देखते हुए इस गेम को बनाया गया था, और ये गेम उनसे इंस्पायर थी उस वक्त जब इसको बनाया गया था। तो अगला फैक्ट है मॉब के रिलेटेड, माइनक्राफ्ट में जो मॉब्स ऐड किए गए हैं, और अगला फैक्ट है क्रीपर से रिलेटेड। और जितने भी माइनक्राफ्ट प्लेयर हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि क्रीपर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मॉब है माइनक्राफ्ट में, और ये कभी भी कहीं भी आ जाता है और बहुत सारे तबाही कर देता है एक्सप्लोड होके। एज अ खुद मैं माइनक्राफ्ट प्लेयर हूँ तो मैंने भी खेला है, सो काफ़ी इरिटेटिंग ये मॉब है क्रीपर माइनक्राफ्ट का। सो क्रीपर एक्चुअली पहले गेम में नहीं डाला जाने वाला था, क्रीपर बनाया ही नहीं जाने वाला था। क्रिएटर जो था माइनक्राफ्ट का, एक डेवलपर, वो पिग बनाने की कोशिश कर रहा था, पिग जो गेम में अभी भी हमें मिलता है, और ये कोडिंग एरर की वजह से वो पिग इस शक्ल में बन गया जिस जो अभी हम क्रीपर देखते हैं। तो क्रीपर एक कोडिंग एरर का नतीजा है, क्रीपर को प्रॉपर डाला नहीं गया था गेम में तब, और जब फाइनल रिजल्ट देखा गया और क्रीपर का इन्होंने आइडिया लगाया कि ये इसलिए, तो फिर क्रीपर को इन्होंने गेम में रहने दिया, ताकि ये कह रहे हैं कि गेम में थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंज होगा। तो असल में क्रीपर का कोई आइडिया नहीं आया था उस वक्त बनाने का कि क्रीपर को हम डालेंगे या कुछ ऐसा माइंड में थॉट, बल्कि ये क्रीपर एक एरर की वजह से गेम में आया था, और ये अभी इतना पॉपुलर हो गया है हमारे बीच कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी क्रीपर से तो हम डरते ही हैं भाई, कभी घर फोड़ देता है कभी कुछ। तो क्रीपर जो सबसे ख़तरनाक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मॉब्स हैं माइनक्राफ्ट में, सो ये एक कोडिंग एरर का नतीजा, इसको पहले नहीं डाला जाने वाला था गेम में। सो देखो, एक गलती की वजह से इतना बड़ा चैलेंज मिल गया, और मज़ा भी आता है क्रीपर के साथ लड़ने में वैसे, लेकिन क्रीपर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। तो अब खतरनाक मॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला फैक्ट भी एक मॉब के बारे में होने वाला है, वो भी बड़ा खतरनाक है। अगला फैक्ट होने वाला है एंडरमैन के बारे में, जो कि बड़ा ही खतरनाक है, जिसको देखने से ही वो गुस्सा हो जाता है और वो हम पर हमला करने लगता है। तो एंडरमैन असल में जो लैंग्वेज होती है, जो एंडरमैन की आपने सुनी होगी गेम में, यहाँ पे ये रीज़न दिया गया है कि एंडरमैन असल में एक्चुअली इंग्लिश का रिवर्स बोलता है, मतलब जैसे इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे लेटर्स होते हैं, उनका रिवर्स बोलता है। सो पहले मैंने इतना गौर नहीं किया था, और ये फैक्ट सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि एंडरमैन के बारे में ये क्या है। सो जब मैंने बाद में माइनक्राफ्ट खुद चलाई और इसको गौर किया, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यहाँ ये बात कहीं कुछ हद तक ठीक है। वैसे भी रिवर्स लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर एंडरमैन को शायद रिवर्स किया जाए उसकी वॉइस को, तो शायद कुछ समझ आए कुछ वर्ड्स। और ये काफ़ी सारे लोगों ने किया है, आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। और एंडरमैन के बारे में ये फैक्ट बड़ा ही मज़ेदार लगा, और मैं बड़ा हैरान हुआ इस फैक्ट को लेके, क्योंकि एंडरमैन जो बोलता है, जो करता है, कुछ समझ ही नहीं आती, और वो एक्चुअली इंग्लिश का रिवर्स है, कुछ वर्ड्स हैं जो रेफरेंस शायद डाला हो मोजैंग ने गेम में। सो ये फैक्ट काफ़ी मज़ेदार था। सो अगला फैक्ट नेदर के एक मॉब के बारे में होने वाला है, और ये मॉब है घास्ट। और अगर आपने नेदर एक्सप्लोर किया है तो आपने घास्ट को ज़रूर देखा होगा, और घास्ट ने आप पर हमला भी ज़रूर किया होगा। ये भी फायर फेंकती है, आग फेंकती है, और काफ़ी ख़तरनाक मॉब है। और घास्ट की जो वॉइस है, घास्ट की जो आवाज़ है, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने रीज़न दिया है कि ये एक्चुअली एक स्लीपिंग कैट की आवाज़ है। मोजैंग के एक डेवलपर, जब घास्ट को उन्होंने रेडी किया था, जब घास्ट को वो बनाना चाह रहे थे, गेम में डालना चाह रहे थे, तो गॉस्ट की वॉइस का प्रॉब्लम था, वो सोच रहे थे कि कौन सी वॉइस डालें। तो उनकी कैट जो है वो सो रही थी, और उन्होंने जब उनका आवाज़ सुना अपनी कैट का, तो वो आवाज़ रिकॉर्ड करके ना उन्होंने वो आवाज़ घास्ट को दिया है। तो कैन यू इमेजिन, घास्ट इतना खतरनाक मॉब है और उसको एक स्लीपिंग कैट की वॉइस दी गई है। तो अगर आपने ये इफेक्ट पहले नहीं सुना था, तो कभी नज़र में जा कर घास्ट की वॉइस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो असल में एक स्लीपिंग कैट की वॉइस है। तो ये फैक्ट भी बहुत मज़ेदार था अबाउट कास्ट। सो
सो अगला फैक्ट और लास्ट फैक्ट है स्वीडिश से, कि स्वीडिश का एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को माइनक्राफ्ट खेलने के लिए मिलता है, एक क्लास है बाकायदा माइनक्राफ्ट के लिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि माइनक्राफ्ट एक बहुत ही क्रिएटिव गेम है और जो बच्चे हैं इनके इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, तो अगर हम इनको ये खेलने के लिए दें तो ये काफ़ी कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी है ये बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं कुछ, और इनको बाहर के माहौल के बारे में भी पता चलेगा, जो रियलिटी है जो बिल्डिंग की या जो भी चीज़ें हम माइनक्राफ्ट में कर सकते हैं उनकी रियलिटी या रियल लाइफ में वो कैसी होती हैं। सो उनके बारे में इनको पता चलेगा, आइटम्स के बारे में कुछ पता चलेगा जो माइनक्राफ्ट में डाले गए हैं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलेगा जैसे कि हम ट्रीज़ काट रहे हैं, वाटर के बारे में, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के अलावा एक गेम में ही पता चल जाएंगे जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। सो इनका कहना ये है कि इसीलिए हम ये कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है, और माइनक्राफ्ट अगर एज अ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि माइनक्राफ्ट ज़्यादा ऐसी गेम नहीं है जो वायलेंस को प्रमोट करे, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बाहर निकलती है, हम जब भी खेलते हैं हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं कुछ बिल्ड करने के, कुछ करने के, कुछ चैलेंज करने के, एक्सप्लोर करने के। सो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये सारे स्कूलों में होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे एक स्कोप नहीं है जैसे कि गेमिंग का। सो ये बात सही नहीं समझी जाएगी हमारे कि यार गेमिंग तो स्कूल में बच्चों को ये खिला रहे हैं। सो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सपोर्ट करें, और अगली वीडियो इंशाल्लाह एक गेम प्ले होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि ये भी कंटिन्यू होंगे, फैक्ट्स भी चलेंगे, लेकिन अगली वीडियो आई थिंक के गेम प्ले होगी। सो वही बात है कि मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।